इंसान जिसका बदल ना हो, जिसका बदल ना हो। अब सुनिए, मैं वैसे आप, मैं मजबूर हो गया एक लफ्ज बोलने पर, आप मुमकिन है मुझसे नाराज हो जाएं। किसी देहात में भी मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी बात समझाने के लिए, हालांकि लाहौर में आप मुमकिन है इस बात से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं मजबूर हो गया। मन अल्लाह कहते हैं ऐसा एहसान जिसका बदल ना हो। अब बदल का मैं क्या माना करूं, पढ़े लिखे लोग जब किसी के हाथ ताजियत के लिए जाए ना, किसी का नुकसान हो जाए तो जाके उसे कहते हैं परेशान ना हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह तुझे नेमुल बदल अता फरमाएगा। बेटा फौत हो गया, नेमुल बदल आएगा। नुकसान हो गया बिजनेस में, नेमुल बदल। यानी कि ये ऐसा नुकसान जिसका बदल हो सकता है, जिसका बदल हो सकता है। मन अल्लाह कहते हैं ऐसा एहसान जिसका बदल ही नहीं, सुभान अल्लाह, जिसका बदल ही नहीं। अब अल्लाह ने ये क्यों फरमाया मन अल्लाह? हमने रब से मांगी दौलत, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी औलाद, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी शोहरत, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी इज्जत, अल्लाह ने उठाई दे दी। ये सारा कुछ देने के बाद और सबको देने के बाद अल्लाह ने अपने खजाने में देखा कोई कमी नहीं हुई, खजाना भरा पड़ा है। लेकिन जब अपने महबूब को उठाया दे दिया, अब जो खजाने में देखा, खजाने में सब कुछ था, मोहम्मद नहीं था। इसलिए फरमाया लकद मनल्लाहु अलल मोमिनीन इज बअसफीहिम रसूला। ओए मोमिनो होश करो, मैंने तुम्हें क्या दे दिया? मैंने तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास एक ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं लकद मनल्लाहु अलल मोमिनीन इज बअसफीहिम रसूला। मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने तुम्हें वो अता कर दिया जो मेरे खजाने में एक ही था। तो फिर मोहब्बत में मुझे बोलने दे, शराफा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसको कोने में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है, बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों जईफों का फरियादरस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिशा हुआ रास्ता, नूरे हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शमसों कमर है खजल, वो हसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को, जिसने आके सवारा हमारा नबी। जट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हसी है नजारा हमारा नबी। वो बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका ओमोला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक का आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक का आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहा भी पुकारा हमारा नबी। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब, आमीन। अल्लाह हुजूर से मैं जगह सुनाने आया, अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमा, आमीन। ये मैं बस आखिरी बात आपके हवाले करता हूँ। ये जो मोहब्बत का लफ्ज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, ये अमूमन चूंकि कहा जाता है, सुना जाता है, तो फिर उसी ध्यान से हम उसे पढ़ भी लेते हैं या सुन भी लेते हैं या बोल भी लेते हैं। ये इसे मैं समझाने के लिए कि ये कितना ज़रूरी लफ्ज है, कितनी ज़रूरी बात है, और हम उसे किस तरह से लेते हैं, जबकि कितना डीपली उसे सोचना चाहिए, वो थोड़ी सी अर्ज करके मैं इंशाल्लाह रुखसत हो रहा हूँ।
मैं उसकी मिसाल अर्ज करने लगा हूँ। मैं मिसाल यूँ अर्ज करता हूँ कि अभी जो मैं अगर आपको कहूँ कि अभी जो आप यहाँ से उठेंगे ना, तो मेरे ख्याल में इस तरफ से तो नहीं निकलेंगे, रास्ता बंद है, इधर से शायद मैं ही गुजरूँ, आप उधर से ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, हाँ जी। अब उस तरफ से निकलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं जो कहूँ आपको कि जैसे ही आप वहां से निकलेंगे ना, तो गेट पर आपका पीर या मुर्शिद या उस्ताद खड़ा है और वो एक चीज आपसे मांग रहा है, क्या उम्मीद रखूं, दे दो? बेशक, बेशक। मैं किसी को नहीं खड़ा कर गया यार, खुल के बोलिए। बेशक, सब अपना अपना हिस्से का बोलेंगे। जज़ाक दे देंगे, बेशक दे देंगे, बेशक। वो चीज आपका मुर्शिद तलब कर रहा है, आपका पीर मांग रहा है, या आपका वालिद है, या जिससे आपको फैज मिला है, आपके उस्ताद खड़े हैं, वो एक चीज आपसे मांगते हैं और वो चीज आपके पास है और वो है भी किसी को देने के लिए। सोखा कर दिया काम, वो है भी किसी को देने के लिए। वो है भी किसी को देने के लिए, तो दे देंगे। लाहौर के सखियों बोलो, बेशक दे देंगे। पक्की बात, पक्की बात। बुला लो किसी को, बुला ले, बुला ले। मुर्शिद की बात बाद में करेंगे, पीर की बात में करेंगे, उस्ताद की बात में करेंगे, वालिद की बात में करेंगे। मैं जो आपको ये बताऊं कि हुजूर एक चीज मांगते हैं, मेरे ख्याल में मैं इन्हीं लफ्जों पे इत्तेफाक करते हुए इजाजत चाहूंगा। नहीं, जुमला पूरा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का यहां पूरी करे, कबूल फरमाए। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जुमला पूरा कर, गल पूरी कर दो सर जी। अल्लाह।